की डेकोरेशन और हम लोग अभी नहाए भी नहीं है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ आज हल्दी के लिए रेडी और आज मतलब थीम दी हुई है कि हल्दी में दुल्हन है वो येलो पहनेगी और बाकी सब रेड पहनेंगे। तो वो देखो पिनू भी रेड पहन के आ रही है और मैंने मेरा लुक बाद में बताऊंगी पूरा लेकिन क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग। हाँ मैंने फ़ोन ले लिया, मम्मी और चले गए हैं, मैं कन्नू जा रहे हैं अभी उनके घर और क्या बताऊँ मैं अब वहाँ पे जाके ही मिलती हूँ। मेरे हाथ में हेडफोन पहनने अभी ये हाथ में लेके जा रही हूँ, अभी रास्ते में पहनूंगी। हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं, घर दूर नहीं है बिल्कुल पास में ही है और हमारे घर के पास देखो कितने सुंदर खूबसूरत फूल व्यू आ रहे हैं, नज़ारा दिख रहा है आपको। और पिन्नू ने पहना है लहंगा और सॉरी कन्नू ने पहना है लहंगा और इस पे रेड दुपट्टा लगा दिया और अभी हम भागते हैं क्योंकि हम बहुत लेट हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों में होता है जब हल्दी से पहले कंवारे भेरून जी मतलब भेरून जी होते हैं उनके दुल्हन होती है वो पैर छूने जाती है तो सब मैरिड औरतें साथ में जाती है पर भेरून जी के पास में नहीं जाती, वो अनमैरिड होते हैं वो लोग उनके पास जाते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, तब हम लोग वेट कर रहे थे तो बीच में हमने फ़ोटो शूट करवा लिया और वो लोग गए हुए थे भेरून जी के और ये देखिए ये आ गए हैं भेरून जी के जाके और ये ऐसे रेड ओढ़ने से ऐसे छाया करके जाते हैं और ये हमारे समाज में प्रथा ये पर्दे की प्रथा, ये जो बहुएं होती है वो सब वाइट पर्दा ओढ़ती है और जो बेटियां हैं वो नहीं ओढ़ती है, जो बहुएं हैं उनको जैसे मेरी दादी साहब वो भी ओढ़ते हैं। ये हमारे मुंडने की रस्म होती है हमारी रस्म होती है जब हल्दी होती है तो सबके रेड धागा बांधते हैं तो मम्मी के बांध रहे हैं अभी लड़कियां होती है वो सबको बांटती है और सबके फ्रेंड्स दुल्हन आ गई है कपड़े चेंज करके हल्दी के लिए स्पेशल येलो ड्रेस पहन के और सिस्टर मेरी सिस्टर जो छोटे वाले सिस्टर है नीतू नाम है इसका, इसने रेखा को माला पहनाई है और साइड में जो कटारी पहनाते हैं वो भी पहना दी है और अब सबसे पहले लड़की के जो मम्मी पापा होते हैं वो हल्दी लगाने के लिए आएंगे, फिर परिवार की भाभियाँ और चाचियाँ बड़ी बड़ी मम्मी वगैरह वो होते हैं वो नहीं लगाते हम लोगों में हल्दी, जो भाभियाँ होती है और जो चाचियाँ होती है तो वो सब हल्दी लगाएंगे और बहनों को भी हल्दी लगाने का हमारे रिवाज नहीं, हम लोग सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए से बस टच करके रखा था, बाकी भाभियों की रस्म होती है चाची वगैरह की रस्म होती है हल्दी की। तो फ्रेंड्स ये है लड़की के मम्मी पापा यानी कि मेरे बाबू साहब और बड़ी मम्मी जो अभी सबसे पहले हल्दी लगा रहे हैं और थोड़ा सा घी पिलाने की रस्म करते हैं। हम कहीं कहीं पे ये रिवाज ऐसे ही होता है कि पूरी फैमिली घी पिलाती है पर हम लोगों में पूरी फैमिली घी नहीं पिलाते हैं, सिर्फ मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे मुँह पर टच करते हैं और बाकी हल्दी ही लगाते हैं। Oh,
जो औरतें हल्दी लगाती है दुल्हन की, वो ये फिर धान साफ़ करने की रस्म होती है। दो छाले होते हैं और इसमें नारियल और बेलन डालते हैं। कुछ इसमें अनाज होते हैं, 7 धान होते हैं अलग अलग जो अनाज होते हैं। ये फिर एक दो दो लेडीज ऐसे करती है, जो इन लोगों ने ये हल्दी लगाई है तो ये लोग ये रस्म करेंगे। हम तो सबको गुड़ वगैरह दे रहे हैं, फोटो शूट चल रहा है इधर। तो फ्रेंड्स, अब बुलाए हैं लड़की के दादी सा को, यानी कि हमारे सबसे बड़े दादी सा है वो, और ये साइड में एक और खड़े, ये मेरे दादी सा, यानी कि ये दोनों देरानियां जेठानियां हैं। तो इनको फोटोशूट के लिए बुलाया है, तो ये इतनी देर तो रूम में बैठे थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी है और जो साइड में बैठे हैं वो मेरे चाची लगते हैं, मतलब सबसे छोटे वाले दादाजी। मेरे दादाजी और 3 भाई है, तो सबसे छोटे वाले दादाजी, उनके एक ही बेटे हैं, उनकी वाइफ है, और ये मेरी मम्मी है, आप जानते हो। यस, रोटी ले लीजिए। सामने और आगे लगो हाथ कालो जी, वीडियो ने खार ठीक है, बस बन गयो, देखा सामने ये तो गणो, ये रुके एक बार, फोटो नहीं आवे का ध्यान आनी के बस करो। होने के बाद सीधा खेत में आ गए, मतलब हमारे घर के पास ही पीछे वाला खेत है, वहाँ सामने वाले में आए सॉरी। और हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई है, फोटोशूट भी किया है, और पिनू ने बहुत सारा कंज अपना काम किया है। भाई साहब चले गए फोटोशूट करवा के, और कन्नू पिनू अभी खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं, और बहुत मस्त फोटो आ रही है यहाँ पे। और चिक्कू उठने का डर है, तो मैं तो जा रही हूँ घर, फ़ोन दे के जा रही हूँ अन्नू पिनू को, ये और बनाएंगे अभी। जबरदस्ती लगी पास में देख ले हम लोग आए हैं घर पे और 11 बज गए हैं। रात को गाने वाने होते हैं, डांस प्रोग्राम था जो हो गया, मतलब ऐसे हल्दी के बाद रोज रात को थोड़ा घर वाले सब डांस करते हैं। मम्मी आके लेट गई है और मेरा बिस्तर इसी पे है।